नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर। केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। फास्ट शाइन नर्सिंग होम। फास्ट शाइन नर्सिंग होम। हमजा कलेक्शन। हमजा कलेक्शन। ग्लोबल वॉलपेपर। ग्लोबल वॉलपेपर। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। हमारे समाज में एक सोच ने घर कर लिया है और वो है कि जो बच्चे उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं वो कामयाब नहीं हो पाते। उर्दू को मायूस व मायूब नजरों से देखना एक बहुत पुराना चलन है, पर ऐसे में जब यही तुलबा जीत का झंडा लहराते हैं तो वो नजरिया जो मायूस व मायूब नजरिया रखती है वो झुक जाया करती है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले हमने आपको HS फीमेल उर्दू मीडियम की टॉपर आरिफा से रूबरू करवाया था और आज हम रागिब समीर की कामयाबी को आपके सामने रख रहे हैं, जिन्होंने पश्चिम बर्दवान जिला उर्दू मीडियम में टॉप किया है। अफसोस कि हम उस समाज में रहते हैं जहां तालीम का मयार अंग्रेजी जबान है और खूबसूरती गोरे रंग को माना जाता है, जो सरासर गलत है। कामयाबी हर शख्स की जागीर है जो मेहनती है। खैर, आइए सुनते हैं रागिब समीर को। पश्चिम बर्दवान में उर्दू मीडियम में HS में अव्वल मकाम हासिल करने वाले तुम अपना नाम, मार्क्स और इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ था? जी, मेरा नाम रागिब समीर है और मैंने 473 नंबर हासिल किए हैं और इस कामयाबी के पीछे तो कोई एक आदमी का नाम लेना बहुत मुश्किल है, सभी का हाथ है इसमें। मेरे टीचर्स हैं और मेरे अम्मी पापा और मेरी खुद की भी मेहनत है। मैं रहमानिया हाई सेकेंडरी स्कूल का तालिब इल्म हूँ। आगे मुस्तकबिल में क्या प्लान है? मेरा आगे में चार्टर्ड अकाउंटेंट CA बनने का मकसद है। और पढ़ाई के अलावा और क्या क्या हॉबीज हैं? हॉबीज तो कुछ खास नहीं है, बस ड्राइंग करते हैं खाली टाइम पे। कितने घंटों पढ़ाई करते थे जो इतना अच्छा मार्क्स मिला? अगर सच बात बताएं तो मैंने 10 में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, क्योंकि मैंने 10 में जो है लास्ट से अपनी तैयारी को शुरू किया था, तो मुझे 10 में 10 से 12 घंटा मतलब पढ़ना पड़ा था। और तो 10 में मैंने इम्तहान दिया तो मेरा दिमाग जो है थोड़ा, मैं समझ गया कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है, लिहाजा मैंने 12 क्लास में शुरू से तैयारियां की और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। शुरू से मैंने 4 घंटा और रिविज़न को अपना समझा, इसी तरह से मेरे को लास्ट तक भी कोई दुश्वारी नहीं हुई, 4 से 5 घंटा हो गया। अक्सर देखा जाता है कि तालीम के मामले में लड़कियां खासतौर से हमारे माशरे में लड़कों के बनिस्बत आगे बढ़ जी, तो क्या कहना पसंद करोगे अपने उम्र के नौजवानों से जो सही मानों में पढ़ाई की तरह लड़कियों के मुकाबले थोड़ा सा कम दे? ये लड़कों से क्या कहना है कि हमारे माशरे में लड़कियां तो 12 तक बहुत ज़्यादा अच्छे करती हैं, उसके बाद 12 के बाद BCom तक भी जाती हैं, उसके बाद फिर नज़र नहीं आती। लेकिन लड़कों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग तालीम नहीं मतलब करते हैं उन लोगों को अच्छे से तालीम हासिल करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल जो है तालीम की वजह से ही सुनहरा हो सकता है। वालिद साहब क्या करते हैं? जी, मेरे वालिद साहब एक हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, उनका अपना कारखाना है, कढ़ाई का कारखाना है। और मैं क्या बताऊँ, मेरे वालिद साहब बहुत मेहनती आदमी हैं, वो काफ़ी मेहनत से हम लोगों को तालीम हासिल कराते हैं और हम लोग भी उनका उनका नाम रोशन करने के लिए अपनी भी पूरी कोशिश करते हैं। हम लोग, हम और मेरे भाई हैं और 2 बहन हैं, दोनों बहन हम लोग से बड़ी है और माशाल्लाह हम सबों ने अपने वालिद साहब का नाम रोशन किया है। सबों ने 12 में बेहतर से बेहतर नंबरात हासिल किए हैं और मेरा मानना है जहाँ तक तो मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा फख्र महसूस करते होंगे। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बोर्ड के कयाम के साथ ही कहा गया था कि गारोई नदी का काम सबसे पहले किया जाएगा और इसी वादे के मुताबिक काम जोरों शोरों से चल भी रहा है। नदी से कचरा निकाला जा रहा है और इसे चौड़ा किया जा रहा है, जैसे भी मशीन की मदद से कचरों को निकाला जा रहा है ताकि दोबारा वो कचरा
नदी में ना जा सके। बरसात का मौसम आने ही वाला है, जिसका पूरा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आज इस सिलसिले में हमने डिप्टी मेयर वसीम उल हक से बात की। इन्होंने चल रहे काम की जानकारी के साथ तमाम बाशिंदों से अपील की है कि अपना कचरा नदी में ना डाले या नदी के किनारे ना फेंके और अपना टैक्स समय समय पर जमा करें, जिससे कॉर्पोरेशन बेहतर काम कर सकेगा। साथ ही इन्होंने बताया कि आने वाले 1 तारीख से पॉलिथीन बैंड हो रहा है, इसीलिए पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम को खराब करने में पॉलिथीन का भी बड़ा हाथ होता है। देखिए, हम लोगों ने बोर्ड गठन करने के बाद ही मेयर साहब ये ऐलान किए थे कि गारवी नदी का सफाई हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, और बरसा से पहले हम लोग ये काम शुरू भी किए हैं। ये आप लोग के चैनल के माध्यम से पूरा आसनसोल की जनता देख रही है कि गारवी नदी का सफाई किस सुंदर तरीके से किया जा रहा है। नदी को डीप भी किया जा रहा है, चौड़ीकरण भी की जा रही है, साथ साथ जो मलबा निकल रहा है उसको नदी के साइड में नई डंपिंग करके उसको शिफ्ट कर दिया जा रहा है गार्बेज यार्ड में, ताकि वो नदी में फिर दोबारा ना जाए। सामने बरसात आने वाला है, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो, ये हम लोगों का प्लानिंग है। बारिश तो नहीं, किसी का बस का चीज़ नहीं है, कुदरती मामला है, कितना बारिश होगा क्या होगा वो, लेकिन उससे बचाव के लिए एक राहतकारी का इंतज़ाम पहले से, साथ साथ गारवी नदी के सफाई के साथ साथ शहर के जितने बड़े नाला हैं हाइड्रेन, तमाम हाइड्रेन नाला जहाँ जहाँ पे संभव हो सका है वहाँ पे जो हमारा जेसीबी पेपेन मशीन वगैरह है उस मशीनरी के जरिए उसका सफाई किया गया है, और जहाँ पे मशीन जाने का संभव नहीं है वहाँ पे मैनुअल सफाई का काम जारी लगातार ये किया जा रहा है। बरसात अगर उतर जाता हो जाता आ जाता है, बारिश शुरू हो जाएगा, तो गारवी नदी का काम मुमकिन नहीं होगा नदी में पानी बढ़ जाने की वजह से। लेकिन बरसात खत्म होने के बाद फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं आसनसोल की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस तरह से गारवी नदी का प्लानिंग लिया गया है ये काम जारी रहेगा। ये सफाई का काम करने के बाद दोनों तरफ से एक गार्ड वॉल किया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा गारवी नदी का। लंबा प्लानिंग है, इस लंबे प्लानिंग के तहत आवाम का सपोर्ट चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं गारवी नदी के शहर के किनारे रहने वाले या आसनसोल कॉरपोरेशन में रहने वाले तमाम बासिंदगान से ये अपील, अनुरोध और रिक्वेस्ट करूँगा कि मलबा जो घर का होता है, कचरा जो होता है, राजस्व होता है, जिस तरह का भी गार्बेज हो वो नदी या हाइड्रेन में ना फेंकें। गार्बेज उठाने का सिस्टम डोर टू डोर कलेक्शन हमारा सफाई डिपार्टमेंट की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है, जारी किया जा रहा है, और आने वाले दिन में हम लोग का जो प्लानिंग है निर्मल बनने का, ये प्रत्येक घर से डोर टू डोर कचरा ले जाएगा। साथ साथ स्मॉल इंडस्ट्री जो है उसे भी रिक्वेस्ट है कि आप नदी या नाला में अपना नहीं भेजें। और इसके अलावा
जो लोग अपना पुराना इमारत को बनाकर नया बनाने के लिए जब उसको तोड़ते हैं तो उसका जो मलबा होता है वो नदी के किनारे फेंक दिया करते हैं। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सफाई डिपार्टमेंट के लोगों से कॉन्टेक्ट करें, हमारा जो कॉरपोरेशन का नगर निगम का जो सिस्टम है उसके तहत आपका मलबा उठा लिया जाएगा, लेकिन आप लोग नदी में ना फेंकें। इन तमाम कामों के लिए जरूरी है कि जितना सारा काम हो डेवलपमेंट का, रास्ता घाट ये गावी नदी का काम, इसके लिए हम लोग का आमदनी भी फंडिंग होना चाहिए। तो लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है, अपील है आसनसोल कॉरपोरेशन में रहने वाले तमाम बासिंदगान से कि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स समय समय पे कॉरपोरेशन में जमा करें। जो लोग अपना टैक्स अब तक नहीं कराए हैं असेसमेंट, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना असेसमेंट कराएं, कॉरपोरेशन को टैक्स दें। आप कॉरपोरेशन को टैक्स देंगे, कॉरपोरेशन का जो आमदनी होता है या दिगर तो अब टैक्स जो आता है, ये ट्रेड लाइसेंस बनाए, इन तमाम माध्यम से हम लोग आपके सेवा का काम कर पाएंगे। और दूसरी तरफ ये है कि 1 जुलाई से पॉलिथीन पे बैन लगाया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि जो अभी जो पॉलिथीन मार्केट में चलता है, ये पॉलिथीन की वजह से भी ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम जाम होता है। इसलिए लोगों से ये गुजारिश है कि पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें। दुकानदारों से ये अनुरोध है कि आप पॉलिथीन, वो पॉलिथीन जो गवर्नमेंट का अप्रूव पॉलिथीन है, जो गल जाता है, जो ख़त्म हो जाता है एक समय के बाद, उसका इस्तेमाल करें। बाकी जो मार्केट में चालू पॉलिथीन है उसका इस्तेमाल ना करें। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार ख्याल और कह सकते हैं कि लोगों को खबरदार करने के मकसद से कल आसनसोल में सेकुलर डेमोक्रेटिक इदारा बराए लिसानी व मजहबी अकलियत आवाज के रियासती सरबराह ने अपने ओहदेदारों व अराकीन के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जहां खिताब करते हुए डॉक्टर फवाद हलीम ने कहा कि मुल्क सरमायादारों के हाथों बेचा जा रहा है, जिसके खिलाफ आवाज के रियासती लीडर रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम चला रहे हैं। यहाँ ताजा तरीन मामला नुपुर शर्मा के बयान पर बीजेपी की कार्रवाई को ड्रामा करार दिया। वहीं अग्निपथ योजना जिससे पूरा मुल्क इन दिनों असरअंदाज है, इसे हुकूमत का मजाक करार दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक रुकन असेंबली जहां आरा खान, जिला सेक्रेटरी नुमान असफर, मोहम्मद सलाउद्दीन, जिला रुकन मोहम्मद इमरान वगैरह ने शिरकत की थी। आपने कहा कि
उसे बोलने दे। ভাবনা চিন্তা কিন্তু স্বাধীনতার আগে থেকে চলে আসছে এবং ধর্মীয় মেরুকরণের ভাবনা চিন্তার মধ্যে দেশ বিভাজন হয়েছে এবং দেশ বিভাজনে হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার যে ভাবনা চিন্তা আছে সে তখন থেকে চলে আসছে এবং তার আগে যদি চলে যান আমাদের হচ্ছে রাষ্ট্র গঠন করা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম 1857 ওই সংগ্রাম আগে কিন্তু চলে আসছে এটা তীব্রতা ধারণ করেছে আমরা হচ্ছে 80 বছর শেষের দিকে এবং বাউলিগঞ্জের দেখতে স্থাপন হয় এবং স্বাভাবিকভাবে মেরুটা হচ্ছে 2014 সালে সে একটি শিকল লাভ করেছে এবং ক্ষমতায় আসার পরে এই দীর্ঘ প্রায় 100 বছরের যে ভাবনা চিন্তা সেটা ভারতবর্ষের মধ্যে অন্ধের মধ্যে ঢুকে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা এক্সপ্রেসিভ প্রচেষ্টা আপনি আন্দোলন করছেন আপনার বাড়িতে আপনি ফুলদোলা দিয়ে ভেঙে দেবেন আইন কানুন দরকার করব সকালে হচ্ছে আমি সিদ্ধান্ত নেব বিকেলে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করবো কোর্ট কাচারি প্রশাসনের কোনো প্রক্রিয়া কিন্তু আমি থাকবো না এটা হচ্ছে ওই ভাবনা চিন্তার হচ্ছে তীব্রতা ভাবনা চিন্তা পুরনো তীব্রতা 2014 সালের পরে আরো হচ্ছে শিখরে উঠেছে माध्यमिक पास करने के बाद एडमिशन के मसले को लेकर आज कुछ तलबा मेयर के पास डेपुटेशन देने पहुंचे। डेपुटेशन देकर वापसी के वक्त हमारे नुमाइंदे ने मोहम्मद कैफ नामी एक तलबा से बात की। इनका कहना था कि इन्हें रहमानिया हाई स्कूल में एडमिशन चाहिए पर 10 दिनों से स्कूल का चक्कर लगा रहे हैं, एडमिशन अब तक नहीं मिला है। हेडमास्टर ने बच्चों से मुलाकात तक नहीं की। वहीं जब हमने हेडमास्टर सज्जाद हुसैन से बात की तो इन्होंने कहा कि हर स्कूल में 400 सीट है जिसमें हमारे अपने होम स्टूडेंट 350 हैं। ऐसे में इलाके के हर स्कूल के बच्चे रहमानिया में दाखला लेना चाह रहे हैं जो मुमकिन नहीं है। हमने एडमिशन से इनकार नहीं किया है, अगर सरकार कह दे तो दाखला होगा। वही तलबा ने कल तक दाखला नहीं होने पर स्कूल के गेट पर ही एहतजाज करने की बात हमारे कैमरे में कही है। आज हम लोग मेयर साहब के पास आए डिपुटेशन देने के लिए कि हम लोग का एडमिशन रहमानिया में लिया जाए। आज हम लोग 10 दिन से रहमानिया आ रहे हैं लेकिन हम लोग का एडमिशन नहीं हो रहा है। हम लोग को एवरी डे डेट दिया जा रहा है कि आप लोग आ जाइए कल आइए, लेकिन हम लोग को फिर जब जा रहे तो हेडमास्टर नहीं रह रहे और हम लोग को ये डायरेक्ट बोल दिया जा रहा है कि दानिशगा का एडमिशन नहीं लिया जाएगा रहमानिया में, क्योंकि उनका HS हो चुका है लेकिन दानिशगा का जो HS हुआ है वो प्राइवेट है और हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहते हो क्योंकि हम लोग उतना फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसी बुनियाद पर हम लोग आए हैं मेयर साहब के पास उनको डिपुटेशन देने के लिए। उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग का मतलब कि कोशिश करें हम लोग का एडमिशन रहमानिया स्कूल में करवाएं। आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद कैफ खान हुआ। और एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हम लोग 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बहुत ऐसे जगह गए, हम लोग सबके पास रिक्वेस्ट लेकर के गए, अगर आज भी नहीं हुआ हम लोग देखते हैं, अगर कल भी नहीं हुआ तो कल हम लोग रहमानिया के बाहर में इंशाल्लाह धरना प्रदर्शन करेंगे। नाज़रीन वक्त चला है मुख्तसर से वक्फे का। शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार कुरैसी मोहल्ला नियर ऑटो स्टैंड। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट,
वुडन फ्लोर, कॉर्पेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर ना करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की facilities उपलब्ध है, जैसे emergency 24/7, modular OTs, ICU, NICU, HDU, pharmacy 24/7, daycare unit, dialysis unit, dental unit, diagnostic and pathological service. With fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. Hamara pata hai Bhagat Singh Mode, Asansol, 713304. Contact number 912-3873265, 9609002666, 6295280253. अपने घर को बनाएं और भी सुंदर, क्योंकि KGN वॉलपेपर ट्रेडर लेकर आया है कुछ खास सिर्फ आपके लिए। सभी तरह की वॉलपेपर, वॉल स्टिकर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, PVC, मेट फ्लोरिंग के साथ ही साथ होम डेकोर की कई वैरायटीज हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, स्माइल, आसनसोल। इसके अलावा हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कॉन्टेक्ट करें 8250-259-567। फर्स्ट श्राइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम, जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। गेट बेटर एट द प्लेस वेयर यू लिव। हमारे यहां 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। बीते कुछ दिनों से मरकजी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे मुल्क में जोरदार एहतजाज चल रहा है। सेना में भर्ती के लिए ख्वाहिशमंद तलबा ने अलग अलग शहरों में ट्रेनों में आग लगा दी है, जिससे अब तक रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ है। ऐसे परेशान कुन हालत में पूरे मुल्क की पुलिस हरकत में आ गई है, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे हालात पैदा ना हो सके। ऐसे में रानीगंज पुलिस की तरफ से भी रानीगंज रेलवे स्टेशन पर हिफाजती इकदामात को बढ़ा दिया गया है। सोमवार को हमारे नुमाइंदे ने रानीगंज रेलवे स्टेशन का दौरा किया तो देखा गया कि पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है, ताकि कोई चूक ना हो। आइए सुनते हैं मैनेजर अमित कुमार शर्मा को कि वो इस सिलसिले में क्या कुछ कह रहे हैं। Yeah.
রাজ্য জুড়ে ট্রেন চত্বর, রেলওয়ে চত্বর, কোথাও রেলওয়ে গেট, এসব জায়গায় আন্দোলনকারীরা আন্দোলন করছিল। স্যার যদি আমাদের একটু জানান, রানীগঞ্জ শহরের রেলওয়ে স্টেশন পরিসরে মানে এখন কী অবস্থায় আছে, মানে কী সিচুয়েশন শান্ত মহল? नमस्कार, मेरी जानकारी में रानीगंज स्टेशन में ऐसा कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आंदोलन हो भी रहा होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है और शांतिपूर्वक चल रहा होगा। रानीगंज, आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा, स्टेशन मैनेजर रानीगंज। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक, लेकिन ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी खबर आसनसोल के साथ। अल्लाह हाफिज़। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।